टाइम था जब बाबा श्याम जी का त्यापा आया था धोख लगाकर, तब उदास होकर आया था। क्यों होकर आया था आज उसी का बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका एक बार फिर तक अपने नए व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम ने 6 बजे और अनिता उरा देखने लग रहा होगा आप साड़ी बांध कर तैयार हो रही है। तो तैयार तो सुबह ही हो ली थी, गीत गात की तो गाल का आया था, उसका व्लॉग आपने कल देखने मिलेगा। कित गई थी, कितना गई और किस तरह का क्या प्रोग्राम था वो आपने कल दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोग बताऊँ कि बाबा श्याम जी का त्यम उदास होकर क्यों आया था, वो तो शायद आप लोगों ने भी बेरा होगा। 1 जनवरी ने हम बाबा का धोख लगान गया था, लवराती तो हंसी खुशी गया था कि मैं अच्छा से वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से शूट करूंगी, हर एक मोमेंट है वो कैप्चर करूंगी, कैसा कैसा जा रखा बाबा ने मैं सारा कैप्चर करूंगी। लेकिन रिंगस तक तो मैं पॉइंट टू पॉइंट अपने वीडियो है वो बनाती गई थी, लेकिन रिंगस उतरना के बाद जैसे ही अपा बस में बैठा था तो मेरा जेब माती फोन है वो चोरी हो गया था। फोन चोरी होने के बाद फिर आपने बेरा है सब कुछ उदास तो आप ही होना था, क्योंकि मूड ऐसा ऑफ हो गया था। फोन का तो हमने बेरा था आ भी जाओगा, लेकिन उसमें जितने भी क्लिप थी, वीडियो थी, डाटा था, जितना भी था, जो भी मेमोरी थी हमारी, वो सारी चली जाएंगी और वो ही हाल हमारे साथ हुआ है। सारी मेमोरी है वो चली गई है। तो बस उस टाइम पर उदास होकर धोख मारी अच्छे से लगी थी, क्योंकि बहुत सारा टाइम है हमने बाबा का धाम पे क्या करना कि बहुत सारा टाइम लग गया था अपना, तो धोख अपनी अच्छी तरह की हो गई थी, लेकिन आया तब उदास होकर आया था। और आज 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद आज अपना फोन है वो घर ही आ गया है। तो अगर मैं आप लोगों ने दिखाऊं तो अपना यो फोन था जो घर ही आ गया है। और उस टाइम पे मैंने कहा भी था कि फोन हमारा आवे जरूर का, चाहे आज आओ चाहे 1 या 1.5 महीना बाद आओ। तो फोन की तो मैंने आप लोगों की बताई दी थी कि फोन हमारा आवे जरूर का, चाहे 1 महीना लग जाए या 2 महीना, तो अपना फोन से वो आ गया है। और फोन चोरी करने वाला ने भी ये काम कराया था, एक बार इसमें उसने सिम डाल ली थी, सिम डालने के बाद जैसे ही उसने ओपन करा सिम डाली तो उसके पास फोन है वो चला गया था कि भाई इतने यू फोन चोरी कर रखा है, तो अपना फोन है वो उल्टा कर दे। उसने डर की मारी फोन ने स्विच ऑफ कर लिया था। बेचारा ने सियाना पत्तो घड़ी खेली थी, लेकिन वो या करे ना कि सक्सेस ना हुआ। और उसके बाद फिर उसने के काम कराया, ट्रेन में चलती ट्रेन में यो वाला फोन है जो जब हम लेकर आया था, जब शायद कितना का था, 27 या 29, Vivo V21 5G है, तो आपने देख लो 27 का या 29 का ऐसा ही पड़ रहा था उस टाइम पे, हमारा भी याद को नहीं, लेकिन इतना का तो था ही। और यो वाला फोन उसने 5,000 रुपया में चलती ट्रेन में वो बेच दिया था कि भाई मेरे पास भाड़ा को नहीं, कुछ भी को नहीं, तो और तो मैं क्या कर सकूं, आप मेरा फोन ले जाओ, मैंने 5,000 रुपया है वो दे दो, इमरजेंसी है। फिर के था अगला भाई ने भी लोभ आ गया था, जब 25-27 हजार का फोन लेगा 5,000 में तो लोभ तो मरना था ही। और जैसे ही उसने फिर अपना ओपन कराया तो उसके बाद फिर फोन तो अपना आना था ही। उसके बाद फिर सिम करने के बाद उसने भी बता दिया था, फिर वो बेचारा देवन आया जो उसने कहा है कि भाई मैंने तो चलती ट्रेन में अपना ये फोन है नूनू करके लिया है। मखा केक राजा भाई सियाण तो गणी खेली थी और उसने खेल भी लिया, 5,000 तो कमाया। बाकी अगर हम उसका घर तक पहुंचना चाहवा तो पहुंच सका हाँ, लेकिन वो ही है कि रिंगस उराती बहुत ज्यादा दूर है और वो रिंगस एरिया का ही 2-2.5 किलोमीटर का आसपास है। बाकी उसका फोन नंबर भी है, लेकिन फिर वो ही अपना फोन घर आगा तो बिना बात की माथा पचाई करने का क्या फायदा है। तो बस यह स्टोरी थी जो मैं आपकी बतावा थी कि बाबा श्याम जी का जाऊंगा, तो फिर उदास होकर जरूर आया था, लेकिन वो वाले उदासी नहीं थी कि बाबा का हमने धक्का खाया यूं खाया यूं खाया, नहीं, उदासी थी सिर्फ फोन की मेमोरी की, ये वाली उदासी थी। और वो ही था, कुछ भी को नहीं मिला, पाने बिल्कुल साफ होकर मिला है, रिसेट होकर फोन है वो अपना आया है। लेकिन फोन आ तो लिया, लेकिन इस फोन में भी बहुत सारी गड़बड़ी है उसने कर दी है ना, तो जो हमारा कैमरा है वो सही चलता, चाहे बैक का हो चाहे फ्रंट का हो, जो पहले की क्लियरिटी थी, सफाई थी, बिल्कुल भी फोन नहीं। तो एक कमी तो यह है। दूसरी कमी यह वाली है कि जैसे आप सिम जिस साइड में डाला हाँ, या तो बेरा ना भैया खोलना ना आया या कुछ अलग सिस्टम करा था, लेकिन जब ये सिम वाला कवर है आपने दिखाऊं तो दिख रहा है ये वाला सिम वाला जो कवर है ये तोड़ दिया है। बाकी फोन का और के देखा, बाकी हमने तो यही देख रखा था, पा तो कैमरा से यूज करा करता, कैमरा देखा करता, और ऊपर ये वाला है जो सिम डालने का है, क्योंकि हमारे पास तो टूटना रहा था,
एक बार सिम डालना के बाद फिर हमारा कोई ऐसा कारण पड़ा ही ना था कि हम निकाल दे, तो दो गड़बड़ी है उसने फोन में कर दी है। कैमरा वाली तो शायद होगी, बुलावांगे देखा तो उसने चेक करवाऊंगा के वह है के ना वह है। लेकिन एक बात और भी, फोन तो ले लिया मारा, उसने कवर चेंज भी नहीं करा। कवर चेंज का मतलब यो है कि उसने फोन तो अच्छा लग गया, कवर भी अच्छा लग गया। कवर का मतलब यो है क्योंकि नया ही था उस टाइम पर, हमने शायद डलवाया ही था कवर, और यह बात थी। अपना फोन भी आ गया, कवर भी आ गया, बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो भी देखांगा के है के ना है, उन्हें भी चेक करांगा। तो बस यही अपडेट देनी थी मैंने आप लोग कि मारा फोन है वो क्यों कराया था और क्यों ना आया था। बाकी कई लोगों का यूं भी हो रही थी, देखो एक मजाक सा हो जावे है, अगर जेंट्स का भी जेम आती अगर फोन निकल जाएगा तो भी ना फिर के बेराय कौन लग गया क्यों करके फोन निकलेगा, केक राजा भाई जेब कतरा तो ईसा ही रहा है, उन्हें तो सिर्फ यूं ही कहा जाएगा। लेकिन जब अपना हाथी फोन खोजा है तो कई तो यूं कह देंगे माच रही है, फैशन का जोखिम हो रही है। लेकिन ईसा कुछ भी को नहीं था, पा तो सिर्फ वीडियो बना कर और पॉकेट में ही डाल कर, मैं तो बस मैं ही चढ़ी थी उस टाइम पर ही हो गया था। और कई तो यूं भी कह रहे थे बना लो वीडियो क्यों कर बनाओगी, खो गया ना थारा फोन, गणा माचती अंड हो गणा वो करो हो, तो माचन का सिस्टम तो यो ही है। आप कुणबा के गैल जावा, हाँ अपना जितना भी परिवार है उसके गैल, चाहे ननद हो या सासू हो, चाहे अपना कुणबा हो, भाई भाभी हो, अपनी पूरी फैमिली है, उनके साथ गया पा जो भी वीडियो है वो शूट करा। हाँ बाकी ऐसी कोई वीडियो आप बनावा भी को नहीं जिसमें आपने थोड़ा बहुत भी कुछ गलत लगता हो, या तो फेस हो जाए ओपन या सिर ओपन रहेगा, सिर का जो पल्ला है वो ओपन रहेगा, बाकी और कुछ भी ओपन को नहीं, आप लोगों ने भी दिखता होगा। तो इसी बात में तो कोई वो को नहीं कि अम्मा चाहा गना चाहा कुछ भी लगा लो, लेकिन लोगों का तो यही भड़क थी ले लो फोन और हम देखेंगे थारा फोन क्यों कराओगा। अगर यूं ही फोन आना होता तो दुनिया का ना आ जा, तो देख लो दुनिया का तो ना आया अपना आ गया। तो वीडियो तो इतनी, तो आपने वीडियो देख ली, तो चलो थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग है वो भी शूट कराया है आज का वो और देख लो। सबसे पहले तो मम्मी का लुक देख लो, मम्मी का सूट किसा के लाग रहा है कमेंट करके जरूर बताइयो। बताया था ना कि यानी तर गई थी गीत गावन, तो उत जान खातर तैयार हो रही है, और असमी अपनी माजी की वीडियो बनावन लाग रही है, माजी ऐसे करो वैसे करो। जाल ही अनीता हर और सारा सामान है वो खंडा पड़ा है, उसका रीजन यही से क्योंकि वैसे तो मैंने श्याम ने अपना सारा सामान है पैक कर रख दिया था, यो पहनना है वो पहनना है, लेकिन सुबह सुबह भी एक आधी चीज इसी हो जाए कि वह चीज मिली कौन नहीं, और उसने ही ढूंढने की मारी, फिर सारा सामान से वो खंडाना पड़ गया था। और रानी मम्मी का बैग भी रखा है, मम्मी का सामान सूट साट से भी रखा है, और तो आपने दिखना लाग रहा होगा सारा सामान यूं ही पड़ा है। बाकी इब मैं अन सारा सामान समेटूंगी, समेटना के बाद फिर आज गाँव माती है गीता का बुलावा रहा है, तो मम्मी कह कर गई है स्पेशल कि मैं तो कोने जान पाई थी और आज चली जाइए, तू तो आज मन जाना पड़ेगा, मम्मी वाला जो काम साज मन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपना सारा सामान है न समेट ले हूँ, क्योंकि अलबारी दोनों खुली पड़ी है, तो पहले ये सारा सामान समेट ली हूँ, फिर चलांगा अपन गीता में। गीता में तो मैं हो आई हूँ, बाकी उसकी कोई वीडियो को नहीं बनाई, लेके के आई हूँ उससे सामान की वीडियो बनावन लाग रही हूँ। ये तो है प्याला, और एक 10 रुपये वाला गुड्डे का बिस्किट का पैकेट था वो तो खा लिया था बालका ने, तो यो लेकर आई हूँ मैं प्याला। बाकी वीडियो बनाने का रीजन यही था कि कोई तो कैमरा का आगा आवे कोई को नहीं आवे, फिर थोड़ा हगाम का माहौल भी अलग हो जाए, जाति मन कोई वीडियो है वो को नहीं बनाई। बाकी ये पहला लेकर आई थी वो आप लोग आते दिखाई दिया था, तो बस और तो बाग के बताऊँ कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलांगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।